नमो नमः बच्चों, मैं डॉक्टर सरोज साहू आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पिछली कक्षा में सुभाषितानी के 5 श्लोक का अध्ययन किए हैं और कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड के बाकी के 5 श्लोक का अध्ययन हम आज करेंगे। छठवां श्लोक है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा युर्बहवश्च विद्नाह सारंततो ग्रायम पास्य फल्गु हंसैर्य यथा क्षीरमीवा अम्बु मध्यात्। यहाँ पे किल शब्द का अर्थ है निश्चित रूप से, फल्गु शब्द का अर्थ है सारहीन, क्षीर शब्द का। अब हम इस श्लोक का पूर्ण अर्थ देखते हैं। शास्त्र का पार कहीं निश्चित नहीं है और मनुष्य की आयु कम है, इसलिए सार ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हंस जल से दूध ग्रहण कर लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। अर्थात शास्त्र बहुत ही विशाल है और हम सभी चीज को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकते। आयु एक निश्चित है, उस आयु में ही हमको कुछ चीजों को, जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करना है, जैसा कि हंस जल से दूध ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। शस्त्र हता न ही हता रिपवो भवन्ति, प्रज्ञा हता स्तु रिपवः सुहता भवन्ति। शस्त्रम निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलंच विभवंच यशश्च हन्ति। यहाँ पे शस्त्र हता का अर्थ है शस्त्रों से मारे गए, प्रज्ञा हता का अर्थ है बुद्धि से मारे गए, सुहता का अर्थ है भली प्रकार मारे जाते हैं। अब हम पूर्ण अर्थ देखते हैं। शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मारे जाते हैं। शस्त्र से तो शत्रु का मरकर मात्र शरीर ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु बुद्धि से उसका वंश कुल वैभव और यश आदि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। अर्थात शस्त्रों से हम किसी शत्रु को यदि मारना चाहें तो केवल उसका शरीर ही नष्ट होगा, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हम किसी शत्रु के वंश कुल वैभव यश आदि सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। दिनांते पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भुजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम्। दिनांते का अर्थ होता है दिन के अंत में यानी कि शाम को, पयः यानी होता है जल, प्रयोजनम यानी होता है आशय उद्देश्य। अब पूर्ण अर्थ देखते हैं। दिवस के अंत यानी कि शाम में दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में अर्थात सुबह जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं है। यह सुभाषित श्लोक में यह है कि यदि शाम को दूध पिया जाए और सुबह को जल पिया जाए और भोजन के बाद छाछ पी जाए तो ऐसे में वैद्य की आवश्यकता नहीं होती। अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर। आचार्यात् पाद मादते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पाद मादते पादम सब्रह्मचारी भी है। पादम का अर्थ होता है चतुर्थ भाग, स्वमेधया का अर्थ है अपनी बुद्धि से। यह तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। सब्रह्मचारी भी है का अर्थ होता है अपने सहपाठियों के साथ, तृतीया बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द है। अब पूर्ण अर्थ देखते हैं। शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है,
एक भाग समय से सीखता है और एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है। जैसा कि अर्थ में स्पष्ट है, शिष्य अपने जीवन के अलग-अलग भाग से अलग-अलग चीजों को यहाँ पे ग्रहण करता है। जैसे कि आचार्य से सीखता है, अपनी बुद्धि से सीखता है, समय से सीखता है और साथ ही अपने सहपाठियों से भी सीखता है। अब चलते हैं अगले सुभाषित श्लोक की ओर। नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुःखम्, नास्ति त्याग समम सुखम्। राग समम का अर्थ है लोलुपता के समान, चक्षुः का अर्थ है आँख। पूर्ण अर्थ देखते हैं। विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो इस तरह से आज हमारे सुभाषितानी के 10 श्लोक पूर्ण हुए हैं और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी